ये प्रकृति हमारी जो माँ है, हमारे भीतर जितनी भी विकृतियाँ आ जाती हैं अज्ञान के कारण से, अविवेक के कारण से, अज्ञान या अविवेक पूर्ण आचरण से हमारे जीवन में बहुत सी विकृतियाँ आ जाती हैं। भगवान की बहुत बड़ी महिमा है कि उसने सब कुछ बहुत दिव्यता के साथ बनाया। भगवान का विधान तो बहुत ही दिव्य है, लेकिन मनुष्य उसमें सारी दिव्यताएं दी, लेकिन एक ये कमजोरी भी उसकी परीक्षा के लिए है कि वो चाहे तो अपने भीतर ज्ञान को भी पैदा कर सकता है और चाहे तो अपने भीतर के अज्ञान को भी पैदा कर सकता है। और जब उसके भीतर अज्ञान अविवेक पैदा होता है और उस अज्ञान अविवेकपूर्ण आचरण में जब वो डूब जाता है तब इतना गिर जाता है कि उसकी गिरने की कोई सीमा भी नहीं, और अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर के शुभ शक्तियों को, अपने भीतर की दिव्यता को जगाए तो इतना महान बन जाता है, इंसान को ही लोग भगवान कहने लगते हैं, नर में ही नारायण का अवतरण हो जाता है। तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, उसके भीतर की सारी दिव्यता जाग जाती है। मैंने बार बार कहा हमारे भीतर ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अशुभ भी है, अशुभ भी है, अदिव्यता भी है, दिव्यता भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, रोग भी है, आरोग्य भी है। हम किसको जागृत करना चाहते हैं, चुनाव हमारे हाथ में। चुनाव हमारे हाथों में है, सब कुछ हमारे भीतर है। एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ हमारे भीतर है। हम अपने भीतर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं और हम कैंसर को मिटा भी सकते हैं। हम अपने भीतर मोटापा, मधुमेह से लेकर के उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से लेकर के SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, सारे रोगों को पैदा कर सकते हैं और उन सब रोगों को मिटा भी सकते हैं। ये रास्ता है अपने भीतर की शुभ को जगाने का। अब इसमें प्रकृति कैसे कैसे मदद कर सकती है अपनी विकृतियों को दूर करने के लिए, वो भी हम साथ साथ बताएंगे और आप करते जाएंगे। ऐसे तो मैंने कहा था आपसे कि एक औषध दर्शन पुस्तक है, ये पढ़ लेना। इसमें अलग अलग रोगों में हम क्या क्या उपचार लें, क्या क्या आहार लें और कैसे कैसे आहार से बचें, उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है आजकल। उसके लिए एक डाइटिशियन होता है, पहले वैद्य ही पथ्य अपथ्य बताते थे। पथ्य माने जिसका सेवन करना है, अपथ्य को पथ्य माने जिसका सेवन नहीं करना है। शरीर विशुद्ध रूप से आहार से बनता है, इसमें कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। सारा अध्यात्म और सारा मॉडर्न मेडिकल साइंस, सारा विज्ञान इसी सत्य को कहता है। आहार की इतनी बड़ी भूमिका है कि हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातु है हमारे शरीर में, इसमें पूरी भूमिका आहार की है। अब देखो आहार की कितनी बड़ी महिमा है। आहार से हमारे विचार बनते हैं, जो हम आहार लेते हैं उससे में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, उससे हमारे भीतर उन केमिकल जो है वो इमोशंस को पैदा करते हैं और सारे इमोशंस भी, आहार के बाद दूसरा क्रम आता है जीवन में विचार का, सारे इमोशंस भी बाद में केमिकल्स में डाइवर्ट हो जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो हमारा अस्तित्व है ना, ये बड़ा गहरा है, इसको समझो। आहार की इतनी बड़ी महिमा जानो कि एक कण भी अपने शरीर में गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक कण भी गलत आहार। कपालभाति करते रहो, सीधे बैठो, छोटे बच्चे भी करें, बड़े भी करें। एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए और एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। ये
आहार और विचार जिसने दो को संवार लिया ना उसकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, और जिसने दो को नहीं संवारा उसकी पूरी जिंदगी ऐसी गफलत में बीत जाएगी, कुछ नहीं बन पाएगा। चलिए इसके ऊपर ध्यान देना। अब आपको समझ में आएगी जो औषधियां लेते हैं उन औषधियों में भी अलग अलग तरह की शक्ति है। एलोपैथी की औषधियों के साइड इफेक्ट हैं, आयुर्वेद की औषधियों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक बात। और योग के साथ आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग किया जाए और अपने आहार विहार पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बेनिफिट बहुत जल्दी होता है। योग में तो बहुत बड़ी शक्ति है, यदि आयुर्वेद का सहयोग मिल जाए तो बॉडी एकदम से रेस्पोंड करने लगती है। जैसे जोड़ों में दर्द है कपालभाति करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन साथ में वातारी चूर्ण ले लिया। अलग अलग औषधियाँ हमारे शरीर को अलग अलग तरह से पोषण देती है। ये आयुर्वेद क्या है, ये शरीर के पोषण की एक प्रक्रिया है। अब जोड़ों में दर्द है तो वातारी चूर्ण ले लिया, साथ में चंद्रप्रभा वटी ले ली, गोक्षराध्य गुगुल, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल या त्रयोदशांग गुगुल में से कोई गुगुल दे देते हैं शरीर की अवस्था को देख करके। वाटर टेंशन ज़्यादा है बॉडी में, सूजन ज़्यादा है तो गोक्षराध्य गुगुल देते हैं, संधिवात है तो योगराज गुगुल देते हैं, और संधिवात बड़ी अवस्था में है तो महायोगराज गुगुल देते हैं, संधिवात भी और कमर में भी दर्द साथ में है तो त्रयोदशांग गुगुल देते हैं। वात और शरीर में खून की भी अशुद्धि है, ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं है तो सिंहनाथ गूगल देते हैं। मैंने गूगल गूगल ही है, लेकिन उसमें विशेष औषधियों का संयोग है अलग अलग प्रकार के। गूगल में गोक्षरादि गूगल में गोखरू विशेष होता है, सिंहनाथ गूगल में गंधक का भी थोड़ा सा प्रयोग होता है, त्रयोदशा गूगल में जोड़ों के दर्द के साथ जो नर्वस सिस्टम है उसका भी उपाय होता है। मैंने अलग अलग प्रकार के गूगल दिए। चंद्र प्रभावटी देने से सूजन भी कम होता है, दर्द भी कम होता है, शरीर की कमजोरी भी दूर होती है, और जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, विटामिन D3, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें चंद्र प्रभावटी काम करती है। चंद्र प्रभावटी 40 साल के बाद तो सबको एक एक गोली खा लेनी चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग सब खाया करते थे चंद्र प्रभावटी, माताएं भी बहनें भी। चंद्र प्रभावटी खाने वाले का हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, चंद्र प्रभावटी खाने वाले का कैल्शियम, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती, विटामिन D3 विटामिन B12 की कमी नहीं होती। ये आजकल एलोपैथी में भी बी कॉम्प्लेक्स और पता नहीं क्या क्या लोग खाते रहते हैं, उनमें उन वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। और अब तो पूरी दुनिया में एक बात स्थापित हो गई है कि जो विटामिन लिए जाते हैं एलोपैथी में बड़े डेंजर होते हैं। एक एक गोली चंद्र प्रभावटी, हम चंद्र प्रभावटी का अक्सर आपने देखा होगा, हम जो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से लिखते हैं उसमें चंद्र प्रभावटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो रोग को भी दूर करती है और हमारे शरीर में डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी को भी कवर करती है। तो चंद्र प्रभावटी दे दी, कोई गूगल दे दिया एक, फिर जैसे शिलाजीत दे देते हैं, शिलाजीत तो दुबले आदमी को तगड़ा करती है, मोटे आदमी को पतला करती है, सब प्रकार के कमजोरी को दूर करती है। पहले लोग शिलाजीत सोचते थे कि जिसके शरीर में कमजोरी है खास करके सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनको शिलाजीत लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जोड़ों में दर्द में भी हम शिलाजीत देते हैं, डायबिटीज में हम शिलाजीत देते हैं, कमजोरी में भी शिलाजीत देते हैं, और बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों दे देते हैं, अश्वशिला कैप्सूल, नहीं तो शिलाजीत का कैप्सूल, शिलाजीत को गोली और लिक्विड शिलाजीत, ऐसे हमने 4 शेप में शिलाजीत उपलब्ध कराया। ये शिलाजीत एक तो लिक्विड होती है, ये लिक्विड शिलाजीत ऐसी होती है काली काली, अब इसको दूध में डाल के पियो तो कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है, कॉफ़ी का तो साइड इफेक्ट होता है। कैफीन ज़्यादा शरीर में जाए ना तो कैंसर हो सकता है। हैवी सोल्ट इनटेक, हैवी कैफीन इनटेक, ये दोनों कैंसर को इंक्रीज करते हैं। ये दूध में डाल के पी लो और मधुरम शक्कर डाल लो ऊपर से तो कॉफ़ी से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जिनको कॉफ़ी पीने की आदत है, कॉफ़ी से तो थोड़ी देर के लिए एनर्जी आती है, इससे परमानेंट एनर्जी आएगी,
मैंने एक बात कही थी आपको, एलोपैथी की कोई भी दवा 4 से 8 घंटा अच्छा इफेक्ट करती है बीमारी को कंट्रोल करने में, लेकिन साइड इफेक्ट जिंदगी भर के लिए देखी जाती है। आयुर्वेद का साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, उसका इफेक्ट जिंदगी भर के लिए है योग और आयुर्वेद। इससे हड्डियां जिंदगी भर के लिए मजबूत होंगी, इससे हड्डी भी मजबूत होती है। जिनकी हड्डियां कमजोर है उनको कैल्शियम और दूसरी तरह की, अब जैसे कैल्शियम की गोली अक्सर माताओं बहनों को 40 साल के बाद सबको प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, ज़्यादातर माताएं बहनें कैल्शियम की गोली खाती है और आयरन की भी गोली खाती है, तो आप चंद्र प्रभाव टी लो और थोड़ा शिला जीत लो, इससे हड्डी भी मजबूत होती है। और शुगर नहीं है तो ये मधुरम, ये नेचुरल शुगर है, आप चीनी मत खाइए। चीनी से धीरे धीरे शरीर डैमेज होता है, वो केमिकल प्रोसेस से तैयार की जाती है और उसके पोषक तत्व भी अलग कर दिए जाते हैं। इसका चीनी से वजन हल्का है, चीनी भारी होती है, ये हल्की होती है, इसमें नेचुरली सारे पोषक तत्व होते हैं, सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं सारे। इसलिए मधुरम अपने घर में आप कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दीजिए। देखो घर में कुछ चीज़ों को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मधुरम या शहद हनी ये मीठे की जगह रिप्लेस कर दीजिए। घर में मिठाइयों की जगह आप आंवला कैंडी, बेल मुरब, बेल की कैंडी, अच्छी इन चीज़ों को लेके आइए। बच्चों को इन चीज़ों की खाने की आदत डलवाइए, आप देखेंगे आपके बच्चे मिठाई खाना बंद कर देंगे। मिठाई खाने से, एक मिठाई खा लो पेट खराब हो जाता है। बाजार की अब खास करके जब कोई सीजन विशेष होता है, कोई त्यौहार होता है, उस समय हमारे यहाँ बहुत मिठाइयाँ बनती हैं और 99% मिठाइयाँ, आप याद रखिए, इस देश में खास के उत्तर भारत में, देखो मैं उत्तर भारत में पैदा हुआ हूँ लेकिन एक मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि उत्तर भारत के लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने से डरते ही नहीं। दक्षिण भारत में कम से कम लोग हैं, मैंने देखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यह लोग दूध में और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं करते। इसीलिए उत्तर भारत में होते हुए, उत्तर भारत में हम पैदा हुए और उत्तर भारत में अपना पतंजलि आयुर्वेद का यहाँ प्लांट है, उसके बावजूद भी हम मक्खन उत्तर भारत से, दूध और मक्खन उत्तर भारत से नहीं मंगाते। आप कहेंगे कि सभी के सब गलत हैं, सबके सब गलत नहीं है लेकिन गलत की संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर भारत में जो भी दूध पी रहा है वो जहर पी रहा है, क्योंकि उसमें से 10 में से कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8 आदमी उसमें मिलावट कर रहे हैं और वो जो उसके दूध के मापने के पैरामीटर्स बना रखे हैं उसमें भी कभी कभी आता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा एक बड़े ब्रांड में डिटर्जेंट मिला, ये डिटर्जेंट पहली बार थोड़ी मिला है तो रोज पी रहे हो तुम, ये तो बॉडी हमारी थोड़ी मजबूत होती है, गंदगी को बाहर निकालती रहती है, यदि थोड़ी दिन ये ना निकाले ना शरीर में से तो मर जाएंगे लोग। हम कर्नाटक और महाराष्ट्र से, और उधर खास बात ये भी, खास करके जो दक्षिण कर्नाटक है वहाँ भैंस लोग रखते ही नहीं, गाय रखते, भैंस रखते ही नहीं। कोई रखता भी होगा तो 1% जो उत्तर भारत से गया हुआ है ना उसका दिमाग खराब हो रखा है जरा, बोले भैंस के दूध में ताकत ज़्यादा होती है, भैंस का दूध पी पी करके भैंसे जैसी बुद्धि होगी, पहाड़े जैसा शरीर हो गया, फिर भी भैंस का दूध पियेंगे, भैंस का घी खाएंगे। सफ़ेद घी खाने की आदत पड़ गई थी लोगों को, ये तो पहली बार हमने पतंजलि की तरफ से प्रयास किया तो लोगों को गाय का ये पीला घी ज़्यादा पैसे में खाने की आदत पड़ी, नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद घी, और वो खा खा करके शरीर बेकार कर रखा था, उसे उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्रांसफैट भी ज़्यादा होता है। भैंस वाला घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, गाय वाला घी 1 से 2 चम्मच खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, इसमें ट्रांसफैट नहीं होता है। खैर मैं आपसे बात कर रहा था, मिला कुछ चीज़ों को रिप्लेस कीजिए, दूध को भी हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये काम बड़ा कठिन है, डर लगता है, नहीं तो हम दूध अभी तक लॉन्च कर देते, क्योंकि दूध रोज के भोजन में है और वो गंदा जा रहा है, कितना ही प्राणायाम करा लो, हम जितना प्राणायाम कराते हैं उतनी गंदगी ऊपर से डाल लेते हैं, दूध में गंदगी, घी में गंदगी, तेल में गंदगी, मसालों में गंदगी, आटे में गंदगी, जो हम खा रहे हैं उसी में गंदगी। आज पतंजलि इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि पतंजलि को किसी सरकार का सपोर्ट है,
गंदगी ज्यादा बढ़ रही है और लोगों को शुद्ध विकल्प चाहिए, इसलिए पतंजलि आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमने ये तय किया हुआ है मिलावट रत्ती भर की नहीं होनी चाहिए, और मिलावट को कंट्रोल करने का मंत्रालय आजकल उनके पास में, रामविलास पासवान जी के पास में। मैं भी उनसे मिला, मैंने कहा हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाओ, हो सके तो चीन की तरह मृत्युदंड का विधान करो। बोले जी बाबा जी ये तो संभव नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे कि जो एडल्ट्रेशन मिलावट करते हैं उनको आजीवन कारावास का दंड का विधान जरूर करवाएंगे। जो मिलावट करते हैं छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, गर्भवती माताओं से खिलवाड़ करते हैं, बीमारों से खिलवाड़ करते हैं। बीमार आदमी भी दूध पीता है, बच्चा भी दूध पीता है, गर्भवती माँ भी दूध पीती है और उस दूध में जहर है। आपको शायद आश्चर्य होगा, माताओं बहनों के स्तनों के दूध को लेकर के उसका टेस्टिंग किया गया तो उसमें पेस्टिसाइड पाए गए, उसके अंदर यूरिया, उसके अंदर डीएपी, उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर डिटर्जेंट है, उसके अंदर सारे ये एमएसजी लेड फैट जो मैगी फैगी से है ना, ये सारा तो अंदर ही जा रहा था। माताओं बहनों का दूध इतना जहरीला हो गया। पहले कहते थे ना एक पूतना जो है वो भगवान कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिला करके मारना चाहती थी, उनको ऐसे तैयार किया जाता था पहले कुछ स्त्रियों को कि उनको विष खिला खिला करके उन नाखूनों में जहर आ जाता, तो बोलते थे ना विषकन्या, तो उनसे फिर किसी को नोचा जाता था, इस तरह के षड्यंत्र करते थे प्राचीन काल में, और उनको जहर पिला पिला करके उनके दूध को जहरीला बना दिया जाता था। अरे एक पूतना वो तो तैयार की गई थी, हम तो अपने आप ही पूतना तैयार हो रहे जो खा रहे उससे हमारा दूध जहरीला, और जो बच्चा पिएगा वो उसको कैंसर होगा, फिर उसको डायबिटीज होगी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसकी किडनी फेल होगी, वो ज़्यादा नहीं जिएगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अब जरूरत इस बात की है, मैं तो सोचता हूँ इस देश में दो क्रांति होनी चाहिए, एक आहार क्रांति और दूसरी एक विचार क्रांति। ये दो क्रांति हो जाए तो आदमी आदमी बन जाएगा। ये गड़बड़ी हो रही है। खैर मैंने इसलिए बातें कही कि कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस कीजिए। पतंजलि का एक अच्छा विकल्प आपको दिया। पहले लोग अच्छी बातें तो करते थे, कोई अच्छा विकल्प नहीं देते थे, बोले एलोपैथी की दवाई का सेवन मत करो। अरे करें क्या, विकल्प नहीं था लोग। हमने योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, अकोप्रेशर का, जो भी नेचुरल चीज़ें उनका विकल्प दिया। हमने स्वदेशी की बात नहीं की, हमने स्वदेशी का विकल्प दिया। नेस्ले कंपनी इस देश में घी बेच रही थी, गाय अपनी, भैंस अपनी, किसान अपने, फैक्ट्री चलाने वाले भी अपने लोग, वर्कर्स भी अपने, और ब्रांड विदेशी और पैसा विदेश में जा रहा था। अब नेस्ले का घी खाना लोगों ने बंद कर दिया, मैगी तो बंद करी दी। नेस्ले का घी और नेस्ले का लुक, आजकल पाउडर वाला दूध उपलब्ध होता है, तो आपको दो तीन महीने में गाय के दूध का पाउडर उपलब्ध करा देंगे, आप जहां भी रहो दूध पानी में घोल के खा लो, पी लो, और 100% दूध उसका नेचुरल टेस्ट आएगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, पानी को ही सुखाते हैं, फैट आप 100% भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। पहले जो पाउडर वाला दूध होता था वो एक तो घुलता नहीं था, गांठ बन जाती थी उसमें, और दूसरा उससे खुश्की आती थी क्योंकि उसके अंदर से फैट कंटेंट को अलग कर देते थे। तो अब फुल फैट का भी दूध बन जाता है, बिना फैट का भी दूध बन जाता है, और वो गांठ नहीं बनती उसकी, और उसमें हीट गर्मी नहीं होती शरीर में। माने आप 100% प्योर दूध आप ले सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, घी को तो रिप्लेस कर दिया हमने, दूध को भी थोड़े दिनों में रिप्लेस कर देंगे। चीनी आप रिप्लेस कीजिए, और सेंधा नमक ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तान में सेंधा नमक बहुत कम होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान उधर से आता है, अब वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसको पूरा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, नहीं तो नेचुरल साल्ट सबसे अच्छा होता है। खैर अब नमक कम खा लेना, इतना कर लेना। मैदा का विकल्प हमने पतंजलि की तरफ से आटा उपलब्ध कराया। अब आटे की कैपेसिटी इतनी है, हरिद्वार में प्लांट 100 टन का लगाया अभी, लेकिन हम चारों तरफ इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। करीब 2-1 महीने के अंदर ये इस समय करीब पूरे हिंदुस्तान में 400-500 टन डेली आटे की डिमांड है। एक नो अनाजों का आटा है तो नवरत्न आटा, और एक नॉर्मल गेहूं का आटा है, आटा बेसन, वह भी पतंजलि का। अब जो कमी है उसको आने वाले 2-1 महीने में हम 100% पूर्ति कर देंगे, जिससे कि लोगों को कम से कम खाना तो शुद्ध मिल जाए। लोगों को अब, पहले तो लोग घरों में चक्की लगा लेते थे, अपने पीस लिया करते थे, अब कहाँ कहाँ चक्की लगाएंगे, इससे गड़बड़ हो रही थी। खैर तो ये बेसन के नाम पर इतनी मिलावट मिलती है, क्या क्या मिलाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, जहरीले रंग पीला दिखाने के लिए, और उसमें चलो चने के स्थान पर मकई डाल दे तब भी कोई बात नहीं,
लेकिन इसका रंग देने के लिए जहरीला कलर डालते हैं और वो सब अंदर जाकर के हमारे लीवर को, किडनी को, हार्ट को डैमेज करता है। मोट ये सब लोग ना ये सोचते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं तो इसमें एक ही कारण है, मोटापा का एक कारण आपकी कम मेहनत है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा जो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है ना आपका, इसमें बड़ी भूमिका आहार की है, खान पान शुद्ध नहीं रहा लोगों का। और ये पिछले 40 साल में ज़्यादा बिगड़ा है, 40-50 साल पहले हिंदुस्तान में मिलावट नाम की चीज़ नहीं थी, लोग डरते थे, भगवान से डरते थे कि भाई कर्मों का फल मिलेगा। और याद रखना एक बात, मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, जो मिलावट करते हैं और दूसरों के जिंदगी में जहर घोलते हैं उनके कुल वंश नष्ट हो जाते हैं, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है, जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनके बच्चे बीमार होकर के, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेल होकर के, कैंसर होकर के मरते हैं, या बच्चे एक्सीडेंट में मरते हैं, कम उम्र में जो है माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं, या उनके मतलब माता पिता की चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, फिर भी लोग बावड़े हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा काम। ये सच्ची बात कह रहा हूँ, जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन आदमी की पता नहीं दिमाग में क्या खराबी है, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, मसालों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, नकली दवाइयाँ। हिंदुस्तान में तो ये एक मजाक नहीं है, जोक नहीं है, हकीकत है। बोले एक आदमी जहर खरीद के ले आया बाजार से, खाया और मरा ही नहीं, बोले जहर नकली था, जहर भी मिला, जहर में भी मिलावट कर देते हैं, ये हालात हो रखे। विदेशों में बिल्कुल मिलावट नाम की चीज़ नहीं है, यूके, यूएसए, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाहर कई मैंने देखा है, छोटे छोटे कंट्रीज में भी नहीं, अफ्रीका अपने से 200 साल पीछे होगा, वहाँ भी खाने पीने की चीज़ों में लोग मिलावट नहीं करते, पता नहीं भारत में मिलावट कहाँ से, किसने सिखा दिया इनको। चलो कपाल भाती करा रहे थे तो मैं कह रहा था कुछ चीज़ों को रिप्लेस कीजिए आप, खान पान को भी, दवा को भी, दवा में भी एलोपैथी की जगह आयुर्वेद इसको लीजिए। अब थोड़ा और चीज़ें बता रहा हूँ, औषधि के तौर पर धीरे धीरे करके 99% आप एलोपैथी की दवाओं से और ऑपरेशन से बच सकते हो, बस योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, नेचुरल लाइफ जी, प्राकृतिक जिंदगी जीना शुरू करें। साबुन शैम्पू भी रिप्लेस कर दीजिए आप, साबुन शैम्पू, उनसे भी थोड़ा थोड़ा करके जहर अंदर जाता है, खाने पीने की चीज़ों से अंदर से और लगाने की चीज़ों से ऊपर से जहर अंदर जाता है, ये हर एक रोम कूप में छिद्र है ना, उससे अंदर जहर घुसता है, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट इनसे भी जहर अंदर जाता है थोड़ा थोड़ा। अब किसी के बाल झड़ते हैं तो क्या करें, आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करें, थोड़े बहुत तो बाल झड़ते नए आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के इतने झड़ते हैं फिर नए भी नहीं आते और पुराने झड़ते रहते हैं, थोड़े बहुत हमारे भी झड़ते हैं लेकिन कम ही नहीं होते, क्यों, रोज़ मैं आंवले का सेवन करता हूँ, आंवले का जूस पीता हूँ, तो आंवले का जूस या आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडी या सर्दियों में च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, किसी ना किसी रूप में आंवला पीजिए। और आजकल तो बच्चों को आप आंवला और एलोवेरा आप जूस के रूप में पिला सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के, हमने एक 60 ml का जूस बना दिया है, बच्चों को पिलाइए आप, लीची, आंवला, एलोवेरा, लीची के फ्लेवर के साथ हमने दे दिया, पहले लोग पीते नहीं थे, ये लीची के फ्लेवर के साथ आंवला एलोवेरा के दे दे, तो बच्चों की भी जिनकी आंखें कमज़ोर है ना उनको ये एक 5 rupees का एक ये पैकिंग आता है पिला दीजिए, बच्चे इधर उधर की चीज़ें बहुत पीते और बड़ा टेस्टी होता है, ज़्यादा ही उनको कोल्ड ड्रिंक आदि पीने का शौक़ है तो इसको फ्रिज में रख करके पिला दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए तो और कुछ चीज़ें ना ठंडी होने के बाद थोड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ये पिलाइए अपने बच्चों को, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन कराइए। ज़्यादा ही आँखों की समस्या है तो आंवले के रसायन सप्तामृत लोह मोतीपिष्ट खिला देते हैं, और आँखों में ज़्यादा ही समस्या है तो दृष्टि आई ड्रॉप डाल दीजिए, आँखों का चश्मा हट जाता है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं आंवले से, और एंटी एजिंग है ये, मन बुढ़ापे को रोकता है, ये डीजनरेशन को रोकता है,
तो आप लंबी आयु पाना चाहते हैं, आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आंवले का किसी ना किसी रूप में सेवन कीजिए, रोज एक चम्मच, या तो जूस, या तो पाउडर, या तो मुरब्बा, या तो कैंडी, या तो च्यवनप्राश, या तो अमृत रसायन, या तो और मैंने कहा ये लिक्विड जूस ही पी लीजिए। अचार आप बहुत खाते हैं, हमने पहली बार बड़े स्तर पर, पहले लोग घरों में थोड़ा बहुत बना लेते थे, आंवले की सब्जी बना लेते हैं सीजन में, थोड़ा मीठा डाल करके थोड़ा बहुत आंवले का अचार बना लिया करते थे, हमने पहली बार आंवले का अचार उपलब्ध करवाया, ये भी रिप्लेस किया हमने। क्यों? लोग अचार किसका खाते थे? आम का। आम का अचार सबसे घटिया और वही खाते थे। सबसे अच्छा अचार आंवले का और नींबू का होता है, आंवला और नींबू दोनों का अचार हमने उपलब्ध करवाया कि लोग अचार ही खाना है तो आंवले का खाओ, ये टेस्टी भी होता है, डाइजेस्टिव होता है, नुकसान कोई नहीं करता है, और इसमें 100% सरसों का शुद्ध तेल है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सरसों का तेल ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है, प्रिजर्व करता है इसको, और थोड़ा बहुत तेल भी अंदर जाता है शरीर में, नुकसान नहीं करता, 1-2 चम्मच तेल। तो आंवला और एलोवेरा, आंवला एलोवेरा गिलोय, वैसे भी बता रहा था अपने घर में नीम लगा के रखो, तुलसी लगा के रखो, आंवला लगा के रखो, एलोवेरा लगा के रखो, ये सब चीज़ें तो गिलोय लगा के रखो, ये सुबह सुबह ऐसे इनके बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, गिलोय, गिलोय का पत्ता नहीं, गिलोय की डंडी सेवन की जाती है, वो गिलोय की डंडी आपको उपलब्ध करा देंगे अपने घरों में सब लगाना, ये गिलोय की डंडी ना आपको यहीं से उपलब्ध करा देंगे, जाते समय सबको प्रसाद के रूप में गिलोय देंगे, तो अपने घरों में लगा देना गमले के अंदर, जिनकी कोठी है तो अपने कोठी में लगा देना, जिनका फ्लैट है तो अपने गमले में लगा लेना, रोज उठ करके थोड़ा तुलसी का सेवन कर लेना, थोड़ा गिलोय का सेवन कर लेना, तुलसी, गिलोय, नीम, एलोवेरा, आंवला, बिल्व पत्र, ये अच्छी अच्छी चीज़ें सुबह सुबह एक बार खा लो, नहीं इतना दिन भर जहर खाते हो, आजकल जहर हवा में ही है, क्या करोगे, चलो और चीज़ों में तो चलो शुद्ध ले लो आप, ये शुद्ध हवा कहाँ से लाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका विकल्प नहीं है, जैसे हवा, इसका विकल्प मेरे पास भी नहीं है, जैसे पानी, इसका विकल्प मेरे पास भी नहीं है, जैसे अनाज, अब अनाज में पूरे देश में ये जहरीली खेती बंद होनी चाहिए, धरती माता की कोख जहरीली होगी, धरती को अब माँ कहते हैं, उसके मुंह में जहर डाल रहे हैं, और वो सारा जो धरती में डालेंगे वो अपने पेट में आएगा, हर खेत की चीज़ पेट में आनी है, इसलिए दोनों को एक क्षेत्र कहा है।